हेलो फ्रेंड्स, GSM हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास है ओप्पो A15s, इसमें पैटर्न लॉक है। तो पैटर्न लॉक SP फ्लैश टूल में कैसे रिमूव होता है तो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो यहां पे मॉडल नंबर जान लेते हैं। मॉडल नंबर जानने के लिए आपको इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना पड़ेगा, *#899# पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर देख सकते हैं और गूगल में चेक कर सकते हैं। फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। पैटर्न अनलॉक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी SP फ्लैश टूल, मेडाटेक बाईपास टूल और स्कैटर फाइल आपको चाहिए। उसके बाद यूज़र डेटा फॉर्मेट एड्रेस और FRP एड्रेस दोनों चाहिए। तो पहले SP फ्लैश टूल ओपन कर लेना है। डाउनलोड एजेंट बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड एजेंट फाइल को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा MTK और IN1 DA MT6765 MT6785 DA फाइल सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद स्कैटर फाइल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम पाथ को कॉपी कर लेते हैं और जो स्कैटर लोडिंग फाइल बटन है वहाँ पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फॉर्मेट पे टिक करना है। फॉर्मेट मैनुअल फ्लैश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न अनलॉक कोड है कॉपी करके पेस्ट कर देना है। बिंग एड्रेस पे पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेट लेंथ एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। फोन स्विच ऑफ हो जाने के बाद मेडाटेक बाईपास टूल ओपन करना है। बाईपास पे क्लिक करना है। वॉल्यूम अप बटन डाउन बटन दबा के USB केबल को लगा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट लोडर जो सिक्योर आता है वो डिसेबल हो गया है। उसके बाद डिवाइस मैनेजर में चेक कर सकते हैं, मीडियाटेक USB पोर्ट COM62 लिया है। उसके बाद आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन पे क्लिक करके कनेक्शन में जाना है। यहाँ पे जो पोर्ट है मीडियाटेक USB पोर्ट वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। बॉट रेट हाई कर देना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। डन हो गया। फोन चालू करके हम चेक कर लेते हैं। फ़ोन चालू हो गया है। इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है। *#813# पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्विटर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GSM हेल्पफुल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।